तो महिपाल जी, अभी अपने घोड़ा घोड़ियों के लिए आप पैडक बनवा रहे हो नए, है ना? बिल्कुल तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जिससे कि आपने जो पैडक बनाए, जो नए लोग हैं घोड़ा मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो उनको भी कुछ क्या सीखने को मिलेगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि आपने थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है बिल्कुल पैडक सर, बनाने में बिल्कुल 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 सर, तो नई टेक्नोलॉजी जहाँ आए तो वहाँ लोगों को भी सीखने को इसका मिले तो वो हाँ पता ज़्यादा चलना बेहतर चाहिए है। उनको भी क्या है। तो महिपाल जी, जैसे कि अपन बात करें तो अभी कितने क्या पैडक बना दिए हैं आपने? प्रदीप भाई मैंने 6 पैडिंग बनाए हैं अभी है। छः? हाँ जी। अच्छा, और इसमें स्पेशल बात यह रखी है कि मैंने इनकी हाइट बहुत अच्छी दी है, मैंने 15 फीट हाइट दी है इसको। 15 फिट? हाँ जी। ओके। जिससे और ये डबल डबल कोटेड चद्दर है इसके अंदर। अच्छा, इस चद्दर के ऊपर हाँ एक और वो है एक, कोटेड है, अच्छा तो ये इसकी हाइट का रीजन ये है इतनी रखने का कि भाई कभी अगर गर्मी के अंदर भी घोड़ा घोड़ी को नीचे गर्मी महसूस ना हो। गर्मी ना लगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाइट काफ़ी है, 15 फीट हाइट है और हाँ प्लस डबल कोटेड है चद्दर, तो ओके। उसके इसीलिए मैंने इसको हाइट में रखा। वैसे आपके इलाके में गर्मी ज़्यादा पड़ती है या हाँ सर्दी बिल्कुल ज़्यादा पड़ती है सर, पड़ती बिल्कुल सर्दी भी अच्छी पड़ती है तो और गर्मी भी। गर्मी भी ज़्यादा पड़ती हाँ है, जी, पर अभी जैसे अपन खड़े हुए हैं तो ऐसा महसूस नहीं ये हो अभी रहा है। दिन का टाइम है ना प्रदीप भाई, अभी जैसे जैसे अगर रात होती जाएगी वैसे वैसे ठंड पड़ती जाएगी। वैसे वैसे स्वेटर लादने पड़ बिल्कुल 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 जाएंगे। बिल्कुल तो अभी अगर हम इस रूम के साइज की बात करें तो जैसे एक बार अपन वो आगे वाला रूम देख लेते हैं जो खाली है ना? हाँ जी। हाँ जी। जैसे अगर अपन इस रूम की साइज की बात करें तो कितना होगा ये ये? प्रदीप भाई 25x15 का रूम है। 25x15 हाँ, का। 25 फुट लेंथ है और विड्थ है इसकी 15 फुट। यानी घोड़ा घोड़ियों के हिसाब से बहुत अच्छा बहुत रूम हाँ। तैयार किया है आपने, है भाई ना? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास में अगर बांधने की प्रॉपर जगह नहीं है ना, तो ये जानवर ऐसा है कि इसको दौड़ने के लिए यानी चाहिए। कि मेरे लैंग्वेज में बोले तो रखो ही मत, हाँ रखो ही मत वीडियो बिल्कुल, देख के खुश रहो। बस बस बस। एक्चुअली क्या ये जानवर ऐसा है ना प्रदीप भाई कि इसको घूमने फिरने के लिए अगर आप जितना स्पेस दोगे उतना अच्छा इसका ग्रोथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे ये मिट्टी अपने यहाँ की नेचुरल है या डलवाई गई नहीं, है? ये डलवाई की है, ये हमारे पास में मिलती है, बूढ़ा मिट्टी है ये, तो ये हमने डलवाई है, यहाँ पास में खेत है अपना, अच्छा, उसमें से मंगवा के तो डलवाई। क्या क्या है वो ट्रॉली आती है, कीमत की बात करें ये सर तो? अगर कीमत की बात करें तो ये लगभग लगभग 700-800 रुपये पर ट्रॉली का पड़ता है ट्रॉली ट्रैक्टर आती का। हाँ है, जी, और 1300-1300 रुपये के आसपास का, नहीं 13,000 का डंपर आता है इसका। डंपर हाँ जी, अपना तो खेत में ये, लेकिन एक्चुअली ये तो हमारे क्या खेत पास में हमारा खेत है तो वहीं से डलवाई खेत है। में से है ना? हाँ जी। हाँ जी। वो क्या बच्चों के लिए बनाई है क्या? हाँ ये बच्चों के लिए बनाइए। बिल्कुल पूरा जुगाड़ करके बनाया मामला है। सर बिल्कुल। अभी किसका चारा पड़ा हुआ है इसमें? ये ज्वार का चारा पड़ा था। अच्छा, ज्वार का। हाँ जी। तो चारा वगैरह छान के देते हो? हाँ छान के देते हैं। छान के, है ना? हाँ और ये घोड़ा घोड़ियों के लिए, है ना? हाँ ये इसके स्पेशल इस तरीके से बनाया गया है कि अगर अंदर भी हो तो भी खा ले और बाहर बाहर अगर हो, हम बांध दें तो भी अच्छा खा ले दोनों दोनों तरफ का सिस्टम रखा है। हाँ। और अंदर हमने कच्चा अपने बिल्कुल मिट्टी डलवाई है कच्चा करा और हाँ, बाहर हमने बाहर पक्का कर पक्का दिया है। कर दिया। एक पानी के लिए और हाँ एक ये खाने के पानी लिए। के लिए है और एक ये खाने के लिए है। खाने के लिए, है ना? हाँ जी। ये आपने सिस्टम वो गैरी भाई जैसा कर दिया हाँ, है ना? बिल्कुल उनके बाहर भी अगर अगर सर्दी है तो अगर जानवर को थोड़ी सी देर अगर बाहर भी बांधे तो कोई तो कोई टेंशन दिक्कत वाली बात ना नहीं। हो। हाँ जी। तो वैसे आपने ये 6 रूम बना दिया है ना? हाँ जी। हाँ जी सर। तो सर बात करें, 6 रूम बनाने में कितना टाइम लग गया आपको? मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन। 20 दिन? हाँ जी। यानि कि इतना जोश चढ़ा कि 20 दिन में 20 दिन पैडक में बना, बिल्कुल कंप्लीट करवा छह दिया। रूम पूरा कंप्लीट हो गया मेरा लगता है। पूरा कंप्लीट हो गया सर, सीसीटीवी कैमरे लग गए हर एक रूम के बाहर। अच्छा, हर एक रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हाँ फैन लगी गए हैं, लाइटें। कतई ऊपर का सेटअप तो ऐसा दिया रेलवे स्टेशन एक्चुअली ये हाइट रखने का यही रीजन था कि भाई गर्मी के अंदर इनको गर्मी ना लगे, जाना कोई दिक्कत ना हुए दिक्कत है। नहीं होनी। तो सर अगर अपन एक समथिंग नए आदमी के हिसाब से बात करें तो एक रूम के खर्चे यानी कि रूम बनाने में कितना कुछ खर्चा लग गया होगा? सर आप जिस तरीके का काम करवाना चाहते हो उस तरीके का काम हो जाता है, ये तो अच्छा वो वाली कहानी अब है। तो बनाने को तो 10,000 में भी बन बन जाएगा, जाता है, बिल्कुल बन जाएगा, है ना? और लगाने में आप एक रूम के अंदर 50,000 भी लगा दो, वो तो है ही है। भाई जैसा आप घी डालोगे वैसा ही मीठा होगा। हाँ, नहीं शक्कर डालोगे तो वैसा ही मीठा वैसा होगा। मीठा होगा। हाँ तो वैसे कितना क्या पैसा लग गया अभी आपका, यानी कि एक रूम की बात करें तो? हम सर ऐसा अंदाजा हमने कुछ लगाया नहीं है प्रदीप भाई। 1 लाख रुपए लग गया होगा एक रूम में ना प्रदीप भाई? ज़्यादा हो गया होगा।
1 लाख से ज्यादा हो गया। एक्चुअली क्या है, जो ये शेड है, ये जो शेड शेड तैयार हुआ है, वो शेड मेरा लगभग लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए का शेड पड़ा। 4 से 4.5 लाख का। उसके बाद में जो ये थान हुई, ईंटें हुई, वो तो अलग ही है, और ये जो कैमरे हैं, पंखे हैं, लाइटें हैं, वो सब अलग ही चीज़ है। यानी कि कैमरे पंखे अगर एक आदमी का यानी कि कैमरा लाइट वगैरह जोड़े तो मेरा लगता है 1 लाख से ऊपर चला जाएगा, है ना? आराम से चला एक है। तो 6 कमरे तो मान के चले अपन, कम से कम 8 लाख रुपए के करीब आराम से है ना। आप नए हो मार्केट में तो जानवरों के प्रति दीवानगी, यानी कि उनको कोई यानी कि परेशानी नहीं होनी चाहिए इस हिसाब से, यानी कि आपने बनाया इनको अभी, है ना? एक्चुअली क्या प्रदीप भाई, मेरा जो मेरे पास में गाय भी और भैंस भी है। अच्छा। लेकिन उनको भी मैं ऐसे रखता हूँ कि नहीं यार, घर के मेंबरों की तरह। बिल्कुल। मैं कभी परेशान नहीं देखना चाहता हूँ मेरे जानवर। पर जानवर रख रहे हो और परेशान कर रहे हो तो उसका भी क्या मतलब फिर? वो बेकार रहता है, और फिर रखो ही मत आप जानवर। बिल्कुल। अगर आपका जानवर परेशान है तो रखो ही मत आप। तो अभी क्या रिंग वगैरह बनाने का भी प्लान है? रिंग वगैरह बनाने का है। ये देखो प्रदीप भाई, आपके सामने पाइप आई गए, ये पाइप पड़े हैं। मेरे लगता है पंखे भी अभी लगवाए दिखते, डब्बे पड़े हुए हैं। हाँ, ये सब अभी चल ही रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अच्छा अच्छा। तो इधर रिंग बनवाने का, ये पूरा जो एरिया है इसके अंदर रिंग बनवाएंगे। अच्छा, पूरे एरिया में। हाँ जी। तो इसमें भी आपको ऐसी मिट्टी डालनी पड़ेगी? मेरे को लगता है मिट्टी तो डालनी पड़ेगी सर, है ना? बूढ़ा मिट्टी तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस मिट्टी के बना तो काम ही नहीं चलेगा। अब ये इसके अंदर जैसे छोटे छोटे कंक्रीट है, ये अगर ये बच्ची के या किसी भी मेयर के अगर लग जाते हैं तो फिर बाद में दिक्कत होने और फिर पता भी नहीं चलेगा, और अपन को उसके चुभ रहा है, अपन को जब भी पता लगेगा जब कुछ प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। बाकी तो आपने पैडक, तो सर पैडक के लिए किसी से पूछी थी कि अपने दिमाग से ही बनाए? एक्चुअली क्या है, मैंने भी थोड़ा बहुत ज़्यादा विजिट करा। अच्छा, फार्मों को? हाँ, इधर उधर जाके विजिट करा फार्म को, फिर मेरे को जिस तरीके से अच्छा लगा फिर मैंने बना दिया। तो अभी जैसे कि रिसेंट में कोई बंदा देखने आया होगा तो उसने क्या बोला है, यानी कि रूम देखने के बाद में सबने तारीफ ही करी है, बोला नहीं बहुत अच्छा बनाया है ना। हाँ। क्योंकि आपने जिस तरीके से बनाया है, जैसे कि ये शेड ऊपर ढलान में दिया है ना, ऐसा बहुत कम लोग देते हैं। बाकी लोग क्या देते हैं, ऐसे देते हैं कि बरसात का पानी चला जाए, और आपके इसमें भी बरसात का पानी जाएगा, रुकेगा वैसे भी। इसकी एक खासियत और है, आप देख लेना, मोस्टली जो आपके पोल्ट्री फार्म होते हैं वो इसी दिशा में बने हुए होते हैं। अच्छा, इसी तरफ में है ना, इसी दिशा में बने हुए होते हैं मोस्टली जो पोल्ट्री फार्म देखोगे तो आप वो इसी दिशा में देखोगे। बिल्कुल। एक्चुअली उसका रीजन ये होता है कि धूप जो होती है ना, उस धूप से मेन बचत हो जाती है। अच्छा, धूप गर्मी ज्यादा नहीं लगने, इधर की तरफ से आता है सूरज, यानी कि हमारे यहाँ सूरज उस साइड से उगता है और इधर आते आते अस्त हो जाता है। अस्त हो जाता है, सीधी धूप हमारे को इधर आएगी नहीं। इसीलिए ये जगह भी मैंने, इसीलिए पोल्ट्री फार्म के जो रीजन देख के सारी चीजों को फिर मैंने ये डेवलप कराया। यानी कि 20 दिन के अंदर आपने ये 6 रूम बना के कम्प्लीट तैयार कर दिए। तो अभी यहाँ पे रिंग वगैरह इधर बना होगा, यानी है ना? तो अगर सर अपन बात करें इस एरिए की, तो कितना है आपकी ये जमीन वगैरह? सर ये मेरे हिसाब से 2.5 बीघा के आसपास जमीन है। 2.5 बीघा के आसपास। हाँ। यानी कि आगे पीछे भी होगी थोड़ी बहुत, है ना? पीछे भी जमीन है अपनी। अच्छा अच्छा। लेकिन जो पक्का कंस्ट्रक्शन है वो 2.5 बीघा के आसपास। 2.5 बीघा। तो सर आप अभी जैसे कि घोड़ा मार्केट में नए हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप प्रॉपर बता सकते हो कि एक घोड़े के ऊपर खर्चा क्या आ रहा है अभी? यानी कि बाकी का तो लोग कहते हैं भाई हम तो काजू के पिस्ता बादाम खिलाते हैं तो हमारा 30,000 हो जाता है, तो आप एक्चुअल में सही रेट बता सकते हो क्या खर्चा आ रहा है? यानी कि सर मोस्टली मेरे हिसाब से अगर सुबह से शाम तक, जैसे हमारे पास में तो गायें भी हैं, घर का दूध हो जाता है हमारा, तो और देखा जाए तो मुश्किल से मुश्किल 200 रुपये का पर डाइट अभी है। 200 रुपये एक दिन की? हाँ, दूध क्योंकि हमारे घर का है। हाँ, हम सिर्फ डाइट को कर रहे हैं। ओके। क्योंकि मार्केट में क्या है कि मोटिवेट करने वाले लोग कम और डीमोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। अब सर ये कोई काजू पिस्ता बादाम खाने वाली चीज़ें तो है नहीं कि कोई भी बोलते हैं कि नहीं जी मेरा तो बोले महीने का 40,000 का या 50,000 का खर्चा। नहीं, बोलने वाले बोलते भी आप देखते ही। हाँ, बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं सर, उनको तो कुछ बोल ही नहीं सकते। नहीं, पर उससे क्या है कि उनके बोलने से बेचारे जो नए लोग हैं उनका शौक तो खत्म हो जाता है ना। वो उनका शौक खत्म हो रहा है, तो वो तो एक तरीके से डिमोटिवेट ही हो रहे हैं। बिल्कुल। मोटिवेट करने वाली बात तो खा रही। अगर जैसे आपने हकीकत बताई तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो भाई 10,000 रुपये में हमारा सेटलमेंट पूरा आराम से निमट जाएगा। बस भाई अगर आप अदर करोगे कि भाई आपको एक आदमी रखोगे, वो तो देखो अलग से खर्चा हो गया है, वो 20,000 रुपये मान के चलो। बिल्कुल। अगर आदमी रख लिया तो ठीक है, 10,000 से ज्यादा का तो क्या आदमी रख लोगे, वो मिल जाता है इतने के, है ना? आराम से। हाँ। और अपन जो खाने का भी अपन वो 10,000 लगा रहे, हो सकता है वो 7,000 भी हो जाए, 8,000 भी हो जाए, तो मेंटेन हो जाता है ऊपर। बड़ी बात नहीं है, है ना? तो आप जानवर तो इसको ज्यादा दोगे तो ही तकलीफ होगी, और आप इसको जितना लिमिटेड
तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जानवर ऐसा है कि अगर इसने आपने इसको ज्यादा खिला दिया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो महिपाल जी, आपके हिसाब से जो अभी नए ब्यायर मार्केट में आना चाह रहे हैं, यानी कि आप 6 महीने पहले आ चुके हो, अब आपके पीछे भी लाइन में बहुत सारे नए लगे हुए हैं जो मार्केट में आना, क्योंकि देखो जैसे आप मोटिवेट हुए लॉकडाउन में वीडियो देख के, आपके अलावा बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए हैं, पर मेरे को लगता है लॉकडाउन में जितने घोड़े घोड़ी बिके हैं ना उतने मेलों से नहीं बिकते जितने बिके, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना वीडियो लोगों ने सर्च करा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके वीडियो से ही मोस्टली क्योंकि क्या है, हमको क्या है, हमारे अंदर एक मैप आता है, उससे हमको पता लगता रहता है कौन से महीने में, तो हमारा जो ग्राफ है ना वो लॉकडाउन में जितना उठाना वो शायद ही किसी महीने में उठा हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताया ना प्रदीप भाई, कि मैंने आपकी वीडियो देख के ही मैंने यार लेना चाहिए यार तो आपकी वीडियो से बहुत सारे जने प्रभावित हुए हैं और होते रहेंगे, जिस हिसाब से आप वीडियो बनाते हैं ना उस हिसाब से प्रभावित होते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो समझना नहीं समझना तो अगले के हाथ में। तो आपको क्या लगता है सर, जो नया बंदा आ रहा है आपके हिसाब से, जैसे आपने बच्ची भी है आपके पास में और घोड़ी भी है आपके पास, तो आपको किससे लगा कि किससे ज़्यादा सीखने को मिला, क्योंकि नए बंदे को देखो सीखना भी मिलना चाहिए ना। तो एक्चुअली क्या है, अगर मेरा तो ये था कि भाई मैं पहले बच्ची लेके आ गया, लेकिन मेरे को सबसे पहले घोड़ी लेके आनी चाहिए थी, घोड़ी लेके आनी चाहिए थी, घोड़ी लेके आनी चाहिए थी। ओके, लेकिन क्या हमारे को थोड़ा सा वो था कि यार अपन कैसे संभालेंगे, बड़ी घोड़ियों को देखते थे तो डर सा लगता था, कई हो ये है कईयों को आता है कि नहीं यार बड़ी घोड़ी को कैसे अपन संभाल पाएंगे, लेकिन आप बच्ची जो बच्ची है उससे बढ़िया आप बड़ी घोड़ी की केयर कर पाओगे, बड़ी घोड़ी की, और सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये बच्चियां हैं ये बहुत, यानी कि जैसे एक अपन कहते हैं ना, जब अपने छोटा सा बच्चा होता है उसको ले जाना पड़ता है इधर से उधर, बिल्कुल खींचना पड़ता है कि नहीं चल, तो वो वाली चीजें जैसे स्कूल में बच्चे को जबरदस्ती ले जाना पड़ता है, बड़ी घोड़ी लेनी चाहिए ऐसी, तो उससे आदमी को सीखने को भी मिलेगा। ओके महिपाल जी, हम यही आपको शुभकामनाएं देंगे हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से भी, आप घोड़ा मार्केट में आए हो तो सच्चाई के साथ में काम करते रहो और आप लोगों का शौक पूरा करो, मारने वाला काम ना करो, कभी नहीं करो क्योंकि मार्केट में लोग मारने वाले ज्यादा बैठे हैं। ना ना ना, वो एक्चुअली क्या है, देखो प्रदीप भाई मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूँ, नए आदमी का शौक अगर आपको कायम रखना है तो आप रीजनेबल रेट में अगर आप जानवर दोगे तो उसका शौक बना रहेगा, क्योंकि देखो शुरुआत में क्या होता है कि बंदा शुरुआत में ही ऐसे बोलते हैं ना कि बिगड़ने की और सवरने के ऊपर शुरुआत ही होती है, शुरुआत में ही बिगड़ गया ना बंदा तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका, और शुरुआत में हो गया तो हो सके, जैसे मान के चलो अभी आपने एक बच्चा रखा, अब आपने 2 घोड़ी ली, अब आने वाले टाइम में आप 2-3 लोगे तो शौक बढ़ ही रहा है ना, तो बिजनेस बढ़ रहा है ना मार्केट में, तो आप भी अगर एक का शौक पूरा करोगे तो हो सकता है कि वो एक तक सीमित ना रहे, फिर दूसरा लेगा तो मार्केट में बढ़ेगा ही अगर रेट सही रहेगी, और अगर आप 1 की 10 मांगोगे फिर तो क्या बात करें, फिर वो अगले आदमी का शौक खत्म हो जाएगा प्रदीप भाई। बिल्कुल, मार्केट में देखो आज तो 1 के 10 ले लोगे पर 10 दिन बाद पता चल जाता है कि हाँ भाई क्या आपने लिया है, क्योंकि मार्केट में ना बहुत लोग बैठे हुए। मैं एक चीज बताऊं प्रदीप भाई, जब आदमी नया नया रहता है ना तो ठीक है आप उसको एक बार कुछ भी कर दोगे वो ले लेगा, लेकिन जैसे जैसे देखो आना उसको इसी लाइन में जाएगा कहाँ, वो आना तो इसी लाइन के अंदर है, अब वो जैसे जैसे घूमेगा फिरेगा कई फार्म पे विजिट करेगा तो उसको ऑटोमेटिक नॉलेज आ जाएगी कि भाई हम हमारा लेवल कहाँ है, हमारा लेवल कहाँ और क्या लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो महिपाल जी, एक बच्ची ये है आपके पास में अभी, है ना, थोड़ा गेट खोल ले। क्या है इसकी उम्र अभी? ये लगभग 8 मंथ के आसपास की, 8 मंथ के आसपास। दो पैर सफेद है ना, दो पैर सफेद है और माथे पे पट्टा है। जी। तो किसकी बच्ची है ये? एक्चुअली मजू के लाइन से बिलोंग करती है। अच्छा अच्छा। रत्ना इसकी माँ है और फादर इसका है नवरतन। नवरतन, हाँ जी। ओके, और मजू के लाइन से ये बिलोंग करती है। बाकी हाइट में कितनी होगी, सही चली जाएगी आपके हिसाब से? क्या लगता है आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? जानी चाहिए हाइट में, जानी चाहिए। हाँ। है ना? हाँ जी। ओके, क्या नाम रख रखा है इसका? लीलन। लीलन, लीलन नाम भी मेरे को लगता है कहीं से ढूंढ के लाए दिखते ये हमारे क्या है जो जाट थे हमारे तेजा जी महाराज, ये उनके पास में लीलन हुआ करती थी। अच्छा, इसका नाम उसी पर रखा, उसी पर रखा है। बाकी इनके लिए अभी छोटा पैडक काम आ रहा होगा पीछे वाला, वो नाद वाला ना। हाँ हाँ हाँ।
बाकी दोनों का कनेक्शन भी हो जाता होगा, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि हाय दोस्त कैसे हो। एक्चुअली क्या है, अगर अपन प्रेग्नेंट गुड़ी को भी यहाँ पे लेके आए तो बच्चा अगर छोटा है तो वो आराम से छोटी वाली कुंडी में खा ले और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, एक रीजन वो भी बना, उसका बनाने का एक रीजन ये भी रहा हमारा। और ये भी रीजन है कि देखो पड़ोसी भी बात कर सकते हैं एक दूसरे से। पड़ोसी बात, एक्चुअली ये इसलिए दिया हमने पूरी जाली, क्योंकि जानवर एक दूसरे को देखता रहेगा तो वो कहेगा अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा, इसलिए हमने, और थोड़ा एक्टिव भी रहेगा। पर अगर अकेला रहता तो उसको ये लग जाता है कि यार अपन तो अकेले हैं, अपनी जिंदगी इसी कमरे में घुटके रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके।